यकीन मानिए सिर्फ 1% अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो एक दिन में, एक महीने में आप 30% इम्प्रूव कर जाओगे, एक साल में 365% आप अपने आप को इम्प्रूव कर जाओगे। थोड़ा सा मुश्किल है पर यह आसान है। बहुत मशहूर विद्वान मैक्सवेल कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अनटिल यू विल चेंज समथिंग इन योर डेली रूटीन। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। मैक्सवेल यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका डेली रूटीन है वही एक रहस्य है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, बिना उसके आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। सो हेलो एवरीवन, दिस इज केशव और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हाउ कैन आई इंप्रूव माय ड्राइंग्स, स्केचिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। तो बने रहे वीडियो में और लास्ट तक देखें इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पावरफुल टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी ड्राइंग को या स्केच को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। पहला पॉइंट है हमारा कि ड्रॉ डेली। हमें डेली ड्रॉ करना है, हमें रोजाना एक हैबिट की तरह लेना है कि हमें जो बनना है ना हमें वही चीज़ करना है, चाहे हम उसके लिए 10% दें, 20% दें या 100% दें, है ना। रोज़ का यानी हिस्सा हमें उससे देना है। ठीक है, रोज़ चाहे 10 मिनट दो आप, आधा घंटा, एक घंटा उसमें लगाओ। कॉपी पेन लेके बैठो, स्केच बुक लेके बैठो या कुछ भी लो, बस आपको स्केचिंग करनी है। आपको डेली बेस पर कुछ ना कुछ बनाना है, चाहे वो लिविंग थिंग्स बना रहे हो आप, नॉन लिविंग बना रहे हो, मोबाइल से देख के बना रहे हो, कंप्यूटर से देख के बना रहे हो या लाइव देख के बना रहे हो, आपको वो चीज़ करना है, जब ही आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे बताया मैंने, आप सिर्फ 1% अपने आप को इम्प्रूव करो, 365% आप अपने खुद को साल के लास्ट तक इम्प्रूव पाओगे। हमारा सेकंड पॉइंट है बी पेशेंस। हमें ना सब्र भी रखना होगा क्योंकि एक दिन में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। हमें सिर्फ 1% पर काम करना है, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 1% पर वर्क करो। आप सब्र के साथ करो, जब भी वो पॉसिबल कर पाएगा वो हमें रिजल्ट मिल पाएगा उस तरह का। ठीक है, तो हमारा सब्र ही होता है, हमारा पेशेंस ही होता है जो हमारा एक रिजल्ट तय करता है, एक आउटपुट ना वो डिसाइड कर देता है हमारा सब्र, हमारा पेशेंस। तीसरा पॉइंट है हमारा लर्न बाय डूइंग, मतलब हमें सीखते जाना है। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 1%, वो 1% ना आपको हेल्प करेगा लर्निंग में। ठीक है, जैसे आपने किसी का फिगर बनाया, किसी के पैर बनाए, उंगलियां बनाई, तो उसके जो डिटेल में आप जाते रहोगे ना, उसको लर्न करते रहोगे, तो वो भी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लर्न बाय डूइंग। और जैसे कि आपको पता ही होगा लर्निंग के 3 स्टेज होते हैं, एक तो मेमोरी लेवल जिस पे हम रट्टाफिकेशन करते हैं, आपको भी याद होगा हमने जैसे पहाड़े याद किए थे बचपन में, वो हमारा मेमोरी लेवल पे हुआ था। ठीक है, और सेकंड लेवल होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब हम लर्निंग करते हैं ना तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो वैसे ही हमें जब स्केच बनाना है, ड्राइंग बनानी है, हमें उससे लर्न करना है। ठीक है, सीखना है कि क्या है वो, उसे समझना है। और तीसरा लेवल होता है रिफ्लेक्सिव लेवल। रिफ्लेक्सिव लेवल में क्या होता है कि चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही मतलब वो हमारे व्यवहार में भी झलकता है। ठीक है, तो मैं आपके चाहता हूँ कि जो सेकेंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उस लेवल तक आप अपनी लर्निंग को लेके आओ जिससे आपका जो इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छे से हो पाए। चौथा पॉइंट है हमारा इमर्स योरसेल्फ, मतलब इतना इंगेज हो जाओ उस चीज़ में जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप किसी एनिमल का स्केच बना रहे हो, ह्यूमन का बना रहे हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स बना रहे हो जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, कुछ भी बना रहे हो, उसमें इतना इमर्ज हो जाओ कि आप जान सको, उसकी डिटेल तक पहुँच सको। ठीक है, अपने आप को इतना फोकस कर लो उस चीज़ के लिए, मतलब कहीं से भी कुछ भी आवाज़ सुनाई दी आपका अनफोकस हो जाए सब कुछ, और आपका एक सिंगल फोकस आपको उस चीज़ की तरफ मतलब घुल मिल जाए आप उसके अंदर। हमारा पांचवा पॉइंट है यूज़ एवरीथिंग, मतलब आपको जो भी कुछ मिलता है आप उससे भी स्केच कर सकते हो, आप टी से भी स्केच कर सकते हो, चाय से, कॉफ़ी से, उससे भी स्केच कर सकते हो, ब्रश की सहायता से, मतलब पेन, पेंसिल, आपके सामने कोई बैरियर नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, आपको जो मिल रहा है ना उससे आप शेप बनाओ, और कुछ भी मतलब कोई भी मीडियम यूज़ करो, कुछ भी सरफेस यूज़ करो, कोई भी कैनवस, पेपर, कुछ भी यूज़ करो, बट आपको स्केचिंग करनी है रोज़ाना। ठीक है,
कुछ भी यूज़ करने से ना आपकी क्या थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो उसका लेवल और ज़्यादा अप जाएगा। आप आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू कर दोगे। अब आप देखेंगे कि कैसे मैंने एक से लेकर पूरे 60 दिन तक कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली रोजाना एक स्केच बनाया, और आप देखोगे कि कैसे हल्का हल्का सा इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा और बहुत सारी चीज़ देखेंगे आप।
तो आपने यहाँ पे एक से लेकर 60 तक के पूरे 60 स्केच देखे। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने रेगुलर बेस पे किया है, मतलब रोजाना एक स्केच किया है, और ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। एक से 60 स्केच मैंने नवंबर में शुरू किए थे, तो अब ये चल रहा है जनवरी, तो आपको देख सकते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन है और मैं अभी भी कर रहा हूँ उसे। अगर आपने ध्यान से स्केचेस को देखा होगा तो 10-10 के ग्रुप बना रखे, पहले 10 में मॉन्क की स्टडी करी, दूसरे 10 किड्स की स्टडी करी, फिर 10 नेक्स्ट वाले में वुमेंस की स्टडी करी, फिर नेक्स्ट वाले 10 में साउथ इंडिया कल्चर को जाना, फिर नेक्स्ट वाले स्टेज में पंजाबी कल्चर को जाना, और जो 50 से 60 वाला फेज था उसमें राजस्थानी कल्चर पर अच्छे से ड्राइंग्स वगैरह स्केच वगैरह किया है। और हर स्केच में हल्का हल्का मैं इम्प्रूव करता गया, और अभी भी मैं यानी इम्प्रूव कर ही रहा हूँ, मतलब अभी भी चल रहा है। 60 तो मैंने कब किया था, बट ये कंटिन्यू मैं मेंटेन रख रहा हूँ, ठीक है। आप भी ये कर सकते हो, बहुत आसान है, बट ये मेंटल बैरियर हटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। और अगर मैं अपने इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो मुझ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, मतलब स्किल में इम्प्रूवमेंट आई है, पेंसिल चलाने के फ्लो में इम्प्रूवमेंट आई है, पेशेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको टिप्स देते समय भी बताया था, तो पेशेंस ज़रूरी है। और चौथा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल सेट करना। देखिए, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे को बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनकी लर्निंग अच्छे से चल पाए। मैं एक आर्ट टीचर हूँ तो एज एन आर्ट टीचर बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप डेली स्केच करो, और यही लाइन कहता हूँ कि महीने के अंत तक 30 और साल के अंत तक 365। और इन स्केच को बनाते हुए जो भी सामान मैंने यूज़ किया वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है,